हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज मैं आपको लाइवली सोल्स के हिडन जेम्स की और एक सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ वर्ली के कोलीवाड़ा एरिया में और आपको ले चलते हैं आज के हिडन जेम्स की तरफ। चलिए, हम गाड़ी से उतर के काफ़ी दूर तक ऐसे छोटे छोटे नैरो गलियों से चल चल के गए वर्ली फोर्ट के तरफ, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। रास्ते में काफ़ी सारे मंदिर दिखे एंड उतने ही सारे चर्चेस और छोटे क्रॉस और ऐसे अन्य प्रार्थनालय दिखे रास्ते में। सुनील हमको ले चल रहा है और ये हम पहुँचे हैं फाइनल लेन में, जहाँ से वर्ली फोर्ट दिखाई दे रहा था। यहाँ से थोड़ा रास्ता ऊपर की तरफ है, एक छोटा सा हिल जैसे एक रास्ता है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके सामने बिल्कुल ही ऐसे क्रॉस था, मैं उस समय फ़ोटो नहीं ले पा रही थी तो इसके लिए यहाँ पे एक पिप में डाल दिया था। यह है फोर्ट के स्टेप्स ऊपर जाने के लिए। काफ़ी सारे बैम्बूज एक्सेट्रा बांध के रखा हुआ है यहाँ पे, लग रहा है शायद कुछ काम रेस्टोरेशन वर्क चालू है फोर्ट का। मे बी इसके लिए इस समय हमको ज़्यादा कोई लोग भी मिले नहीं यहाँ पे। जैसे हम सीढ़ियों के ऊपर पहुँचे, ये छोटी सी एंट्री गेट दिखी, अंदर जाने के लिए गेट खुला था तो हमने डायरेक्टली एंट्री कर लिया था। यहाँ पे ना तो कोई टाइमिंग, ना कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ हमें दिखा तो नहीं यहाँ पे। एंट्री के बाद ये अंदर पहुंच रहे हैं हम लोग। एक ऐसा ओपन एरिया था, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। वहाँ से और ऊपर जाने के लिए रास्ता था। सबसे टॉप मोस्ट एरिया फोर्ट के हम पहुंच गए हैं और ये है दृश्य। जैसे हम पहुंचे, हवा चल रही थी वहाँ पे ठंडी ठंडी और ये सुंदर दृश्य देखने को मिला, ढलता हुआ सूरज का। सारे रंग फैले हुए थे आसमान में, बहुत सुंदर दृश्य था। एंगल से यहाँ से दृश्य बहुत सुंदर है। ये देखिए, वर्ली सीलिंग का दृश्य। ये सामने शिवाजी पार्क है। हाँ, आप आओ, सामने आओ, हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं सुनील से। ये आपको बताएगा यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। बताओ सुनील, क्या है यहाँ पे? ये माही में शिवाजी पार्क है, नेशनल हॉस्पिटल है। हाँ, फिर उसके बाद ये कीर्ति कॉलेज है इधर। ओके, फिर ट्विन टावर बिल्डिंग है ये बड़ा वाला। जोर से बोलो। ट्विन टावर बिल्डिंग है बड़ा वाला। हाँ, फिर वर्ली कोलीवाड़ा है, फिर वो जनता झोपड़पट्टी है। ओके, ये फोर्ट के अंदर के तरफ का है और हम दूसरे तरफ जा रहे हैं व्यू बताने, और सुनील आगे एकदम तैयार है हमको और बताने के लिए इस जगह के बारे में। ये वर्ली सीपीएस का सब बड़ा बिल्डिंग सब। हाँ, आज अभी मैं खड़ी हूँ वर्ली फोर्ट पे। यहाँ का नज़ारा मतलब मैं बयान भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा है। वहाँ पे सेटिंग सन है, यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्रीज चल रही है यहाँ पे, एंड समुंदर है बाजू में और एकदम काले पत्थर पे ऐसे। अभी थोड़ा यहाँ पे काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है,
पर यहाँ पे डेफिनेटली आने लायक एक जगह है। यहाँ रास्ता भी इतना क्वीन, छोटे छोटे नैरो नैरो रास्ते, बहुत सुंदर है। आई थिंक यहाँ पे तो एक बार ज़रूर आना चाहिए। हाँ, ये यहाँ से ऊपर से हनुमान जी का और एक दृश्य दिखाती हूँ मैं आपको। और ये ढलता हुआ सूरज का और एक नज़ारा। हम और उस तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स द वेस्ट। अभी इस फोर्ट का नज़ारा है, इतना ही रह गया है। आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, इजुम दिच्ची। हाय। क्या बोलना चाहते हो इजुम यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा है एंड वन टाइम एक बार विजिट करना ही चाहिए। दिस आर हिडन जेम्स इन एंड अराउंड द सिटी, मोस्ट पीपल डोंट विजिट इट आल्सो। एंड अपना ही पहले अपनी जगह को देख लो, मतलब देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए अपनी सिटी को। एंड आई थिंक मीना इज डूइंग ए ग्रेट वर्क स्टार्टिंग दिस चैनल, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लेसेस फॉर पीपल इन बॉम्बे इटसेल्फ एंड अराउंड इंडिया टू सी प्लेसेस इन मुंबई। थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू फॉर कमिंग विद मी। शी एंड सुनील आर टू पीपल हु हैव कम विद मी। सुनील हाँ आओ सुनील। तो हम तीनों हैं आज यहाँ पे। सुनील ने रास्ता बताया, हम अकेले आते तो हमको पता भी नहीं लगता, इतने छोटे छोटे रास्ते से लेकर आए हैं, पर एकदम सही टाइम पे। सुनील वाज आवर गाइड, ही वाज आवर गाइड टुडे। थैंक यू वेरी मच सुनील, थैंक यू। सुनील इज रेसिडेंट ऑफ कोलीवाडा, सो ही इज एन एक्सपर्ट इन। सुनील कुछ बोलना चाहते हो इस जगह के बारे में? ये अपना वर्ली कोलीवाड़ा है। हाँ। ये अपना किला है। हाँ। ये किला यहाँ से पहला माहिम का किला से नीचे से जाते थे पहला। अच्छा, वो टाइम पे इसके नीचे से माहिम का किला जा सकते थे? जा सकते थे। अच्छा ओके। समुद्र से नीचे से रास्ता था, रास्ता था पहले। हाँ। अच्छा ओके। अब जो लिखा हुआ जितना मैंने पढ़ा है, ये कुछ 1600 में कुछ बनाया हुआ है ये, कुछ कहीं पे बोलते हैं कि पोर्चुगीज ने बनाया है, कोई बोल रहे ब्रिटिशर्स ने बनाया है, पर है ये बहुत पुराना। एंड जब सेवन आइलैंड्स था मुंबई तभी का बनाया हुआ था, तो उसके एक एंड पे बांद्रा फोर्ट दिखाई देता था और दूसरे एंड पे और एक फोर्ट दिखाई दे रहा था, मुझे भी याद नहीं है उसका नाम, पर और एक फोर्ट था। ऐसे तीन फोर्ट्स थे जो वॉच करता था कि अगर समुंदर से कोई एनिमी आए तो ये सिटी को बचाने के लिए बनाया गया हुआ, ऐसे लिखा हुआ मैंने पढ़ा था इसके बारे में। लुक एट द सेटिंग सन, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग बियॉन्ड वर्ड्स। ये वीडियो, दिस वीडियो इज नॉट डूइंग जस्टिस हम जो देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब हम फोर्ट से जा रहे हैं सी फेस की तरफ। वो रास्ता है ये, काफ़ी पिक्चरस्क रोड है ये भी। गांव से ही निकलता हुआ रास्ता है। रास्ते में एक छोटा सा चैपल दिखेगा आपको। आगे जाते हुए एक देवी का मंदिर है। ये है मछुआरों का डॉक, जहां से ये बोट्स उतारते हैं। और नज़दीक आ गए हम समंदर के। इस जगह को हम उस ब्रिज से आते जाते ज़रूर देखते हैं, पर इतने करीब से कभी नहीं देखा है मैंने। थैंक यू सुनील हमको यहाँ ले आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे मिलवाते हैं संतोष से, जो इस जगह के बारे में थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। ये जगह का नाम है बतेरी।
बतेरी, अच्छा बतेरी, ओके बतेरी यानी अपने पोर्टुगीज के टाइम में ये बैटरी था, इधर एक वॉच रखते थे, अच्छा किधर से कोई आता था क्या, इसलिए okay. बैटरी 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 करके बतेरी हो गया, बतेरी हो गया, ओके okay. और ये हमारा वर्ली कोलीवाड़ा का मेन पॉइंट है, इधर से ज्यादा से ज्यादा फिशिंग होता है, ओके okay. इसलिए ये फेमस है कोलीवाड़ा में, है ना हाँ. इधर से ज्यादा 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 फिशिंग होता है हाँ. फिशिंग अप डाउन इधर से ज्यादा होता है, ओके okay. और यहाँ पे कितने बोट्स होंगे, अभी भी कितने बोट्स जाते हैं यहाँ पे फिशिंग के लिए? 150-200 जाते हैं. ये देखिए ये है बोट्स यहाँ के, जो सुबह कितने बजे निकलते हो आप लोग? 4-3 बजे निकलते हैं एंड वापस हाई टाइड लो टाइड पे. हाँ हाई टाइड लो टाइड पे, हाई टाइड लो टाइड पे डिपेंड करता है ना. ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू. और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ये उनका पूरा गैंग है जो शाम को यहाँ बैठ के हवा खा रहे हैं आराम से. हाँ सब फिशरमैन लोग हैं, सब दिन का काम खत्म किया है एंड आराम कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे. थैंक यू संतोष जी, थैंक यू, वेलकम. हम बिल्कुल इस लैंड के एंड तक आ रहे हैं, इसके आगे वर्ली लैंड खत्म होता है. आप ये ऑसम एक्सपीरियंस के लिए जरूर आइएगा, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है. हाँ ये अपना बतेरी एरिया है, हम लोग इसको बतेरी बोलते हैं. हाँ अब मैं भी पहला फिशिंग करता था इधर. अच्छा ओके. मैं भी फिशिंग करता था इधर. हाँ फिर काम को लगा जब इसे, सब धंधा बिंदा था मेरा, सब बेच के करते हैं शूटिंग, है ना, यहाँ पे भी आके करते है ना. हाँ इतना सुंदर जगह है कि वीडियो बंद करने का मन नहीं कर रहा है, पर अंधेरा हो रहा है, हमको इतना दूर चल के भी जाना है, तो हम अभी बंद करते हैं वीडियो. एज यूजुअल क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है ना. थैंक यू, बाय बाय करो, बाय.